नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ देखते हैं जिसके रिलेटेड स्टॉक मार्केट को जो शेयर चलाता है, मतलब निफ्टी जिसके कारण मूव करता। अगर इस स्टॉक में गिरावट आओ तो निफ्टी में गिरावट होती है, स्टॉक मूव करे तो निफ्टी 50 हमारा जो है वो मूव करता है, मतलब इंडेक्स को चलाता है, क्योंकि इसका इंडेक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% है। तो दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री अभी देखते हैं इसका स्टॉक 1910 रुपीज, और कल इस ये जो स्टॉक क्लोज हुआ था वो 1820 रुपीज पर, मतलब 1800 के आसपास क्लोज हुआ था। आज 100 रुपीज का इसमें मोमेंटम देखा गया, मतलब आज काफी ज्यादा स्टॉक्स अप था, 5% से ऊपर का इसमें मोमेंटम देखने मिला। तो दोस्तों, काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है, लेकिन जो इसमें न्यूज बेस्ड गिरावट था, क्योंकि इसका जो रिजल्ट था, जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट था, साथ साथ फ्यूचर ग्रुप का जो बाइंग था उसमें भी थोड़ी अटकलें आई है, जो अमेजोन है उसमें थोड़ा सा अमेजोन के साथ फ्यूचर ग्रुप के बाइंग में, तो इन सारे चीज़ों के कारण जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक सिचुएशन में थे, क्योंकि जो ऊपर के लेवल में बाय किए थे 2200 पर या 2000 के ऊपर के प्राइस पर, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक इसमें हो गए थे। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ से दिखा चुका था रिलायंस। देखते हैं ये 1200 के आसपास का स्टॉक मूव करके, मतलब आपको रुपया को डबल कर चुका था, तो वैसे में थोड़ा बहुत तो करेक्शन इसमें बनता ही है, तो करेक्शन तो आपको देखने मिलेगा ही, और साथ साथ जो बिजनेस है अभी काफ़ी है, जो इसका कई सारे डील्स हैं वो डील अटका हुआ है, सऊदी अरब के साथ जो डील है वो भी अटका हुआ है। तो जैसे सारी चीज़ें पूरी होती जाएगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा, तो फिर से आपको इसमें तेजी देखने मिल सकता है। तो जो गिरावट है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप सस्ते वैल्यूएशन पे रिलायंस को बाय कर सकते हैं। तो पहले भी ये स्टॉक 1500-1600 के आसपास होता था, लोग काफ़ी बाय कर रहे, अब ऊपर मोमेंटम क्या तो वहाँ बाय कर रहे थे। गिरावट आपको बाय करना है, ऊपर के प्राइस पे आप बाय करने से बचें। तो जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे आता है तो आपके लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ये 1500 के आसपास आ जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगा बाय करने के लिए। अभी भी आप अच्छे प्राइस पे है तो आप SIP कर सकते हैं, जैसे 1800 पे आया था आप वहाँ पे SIP करते हैं, फिर नीचे के प्राइस पर कभी मिलता है तो वहाँ पे SIP करेंगे। इस तरह से SIP मोड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए। ये स्टॉक ऐसा है कि जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और लगातार जो है रिलायंस ग्रुप जो है लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, जो ये आपको 2000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक दिख रहा है, ये 5000 भी हो सकता है, तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप बाय करके भूलना चाहते हैं तो वैसे स्टॉक में अभी रिलायंस ही ऐसा स्टॉक है जिसे आप बाय करके भूल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी तेजी इसमें देखने मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो रिलायंस यहाँ पर देखिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी दिखाया था, देख सकते हैं 2008 में, उसके बाद ये 800 रुपीज़ का स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, 400 के आसपास आ चुका था, 400 से भी नीचे यहाँ देखते हैं 300 से भी नीचे आ चुका था। तो इस तरह से गिरावट भी आती है जब रैली होती है किसी स्टॉक में, एक करेक्शन फेज चलता है, और यहाँ देख सकते हैं लंबे समय तक रिलायंस जो अंडर प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देना शुरू किया 2015-16 से। और टेक्निकल चार्ट पर हम मंथली चार्ट यहाँ पर लगाए, मंथली चार्ट आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 2015-16 से ही काफ़ी बुलिश है, और ये अपना कभी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं, सिर्फ इस पैंडेमिक को छोड़ दें तो ये पैंडेमिक में एक बड़ी गिरावट आया था जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। ये इस पैंडेमिक में जो गिरावट था सारे स्टॉक में एक साथ था, और बहुत ही शार्प गिरावट हुआ और उतनी ही शार्प रिकवरी भी हुई, उतनी ही तेज रिकवरी भी देखने मिला। यहाँ पर बात करें तो जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है न्यूज बेस्ड है, मतलब जो न्यूज बेस्ड है कोई नहीं होता, ऐसे स्टॉक में कभी करेक्शन दिखाता है तो सपोर्ट काम करता है। जैसे आप सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट तब काम करता है जब उसमें करेक्शन जो मोमेंटम के बाद हो, लेकिन न्यूज बेस्ड करेक्शन जो होता है वो सारे सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे आप देखेंगे, देख सकते हैं काफ़ी वीक दिख रहा है ये स्टॉक, काफ़ी कमजोर दिख रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए आपको, वेट एंड वॉच करनी चाहिए।
अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो अभी आप जो इसमें वेट एंड वॉच करेंगे, अगर आपको ऊपर मोमेंटम का स्विंग लेना है, नीचे करेक्शन का स्विंग लेना है, तो देख सकते हैं कि ये लगातार रेड कैंडल बना रहा है वीकली चार्ट पे, तो आप कहीं पे भी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में लॉन्ग पोजिशन बनाना है, मतलब स्टॉक बाय करके चलना है, अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऐसे सपोर्ट की बात करें, 1600 का प्राइस जो है इसका सपोर्ट प्राइस होगा, अगर 1600 और उसके आसपास आता है तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है, यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज, काफ़ी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स का मतलब मोमेंटम ये कर रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इस तरह से आप यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे ही अपना सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आप बाइंग करके इसको चलेंगे और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर मान लीजिए स्टॉक सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ बाय करते हैं, तो इसका जस्ट नीचे आपको क्या लगाना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है, जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। यहाँ से फिर से ये गिरावट दिखाता है तो फिर आप वेट एंड वॉच करेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम वेट करते हैं स्टॉक पहले सपोर्ट कहाँ लेता है, जहाँ पर मान लेते हैं सपोर्ट लिया तो दूसरा दिन ये फिर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर हमने ग्रीन को ब्लू लिया है ताकि अच्छे से आपको दिखे, तो यहाँ से फिर से ब्लू कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाय करके चलेंगे और यहाँ से नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच रहा है, मतलब 12,000 के करीब पहुँच रहा है, 12,500 इसका 400 इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ से अगर एक करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में होगा। तो मार्केट को भी देख के चलना है, मार्केट किस वे में जाता है। ऐसे रिलायंस जब तेज़ी दिखाता है तो मार्केट में भी तेज़ी होती है, और रिलायंस में गिरावट होती है तो उस दिन हमारा मार्केट में भी गिरावट होता देखा जाता है, क्योंकि इसमें 14% का जो निफ्टी 50 इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स मतलब रिजल्ट कैसा रहा है, कितना गिरावट आया है कंपनी के रिजल्ट में, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, सेल्स में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन देख लीजिए, इसका जो वैल्यूएशन है 12,33,000 करोड़। तो दोस्तों सबसे बड़ी मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी, तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से और सबसे बड़ी मतलब कंपनी है, सबसे लार्ज कैप कंपनी है और फेस वैल्यू इसका 10 है। अभी तक स्टॉक का स्प्लिट भी नहीं हुआ, स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी बढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज़, डिविडेंड 65%। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स पर चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स देखते हो यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी डिविडेंड हर साल देती है, तो डिविडेंड देने में भी कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करे 2020, 2019, 2018, 2017, 2016। और बोनस पर देख लेते हैं, तो बोनस देख लीजिए 2017 में कंपनी दिया है, 2009 में दिया है और 1997 में बोनस भी लगातार पे किया है। स्टॉक कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है, यहाँ पर देख लीजिए जो अब की बार हमारा सितंबर क्वार्टर का आया है, तो यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखिएगा, पिछले साल के क्वार्टर के तुलना में भी डिक्रीज हुआ है, पिछले क्वार्टर के तुलना में भी डिक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट, तो इसी कारण काफ़ी ज़्यादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लीजिए प्रॉफिट लगातार हुआ है, कंपनी का सेल्स वो भी लगातार मतलब इंक्रीज होते गया है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हमारा पैंडमिक है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन था, जिसके कारण पेट्रोकेमिकल का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री का, इसी कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए 50% है शेयर होल्डिंग पैटर्न, 50% है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी खास है। तो प्रमोटर्स का अच्छा खासा स्टेक है इस कंपनी में। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में। तो यहाँ पर चलते हैं बैलेंस शीट में, तो इक्विटी शेयर कल देख लीजिए 6,000 करोड़ का है कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी के पास 4,46,000 कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस है, तो जो कि यूज करेगा तो आपको काफ़ी अच्छा बोनस इश्यू कर सकता है। भी है कंपनी के पास 8,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये देख सकते हैं ये कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है अपना जो नेट डेट है वो लगभग जीरो कर चुका है, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो चुका है, जो कि बहुत जल्द आपको बैलेंस शीट पर मिल सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, तो आपको डेट फ्री कंपनी दिखेगा कुछ ही समय में, रिजर्व और सर्फिंग कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है।
उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 30,000 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट के पास। तो आपने सारी चीज़ें देख लिया, कंपनी के पास सारी चीज़ें जो है काफ़ी पॉजिटिव है। तो ऐसे स्टॉक गिरावट में मिले तो आपको ज़रूर बाय करने चाहिए, इसको रिकमेंडेशन के रूप में आपको मत लेना है। आपको लगता है ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, आप इसके बिजनेस को देखेंगे, इसके सेल्स को देखिए, लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट को देखिए, और फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस प्राइस पर बाय करना है। क्या आपका स्टॉप लॉस रखना है लॉन्ग टर्म हो या कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, जो कि जीरोधा ये फैसिलिटी देता है। तो अगर जीरोधा में आपका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और इस मतलब बेनिफिट उठाइए इस फैसिलिटी का, जो जीटीटी ऑर्डर हम स्टॉप लॉस के रूप में लगाते हैं, टारगेट के रूप में लगाते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।